हेलो एवरीबॉडी, आज हम डबल ब्लॉक में एक सुपर टेक्निक डिस्कस करेंगे। कितना भी हार्ड प्रॉब्लम हो, कैसे आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास M1 M2 दो ब्लॉक हैं, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने का है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फाइंड करना है टेक्निक से। टेक्निक ये है, मॉडुलस में है F1 M2 प्लस माइनस F2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब क्वेश्चन राइज होता है F1 F2 क्या है। F1 M1 पर लगने वाला फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है तो, और इसी तरीके से F2 M2 पे लगने वाला फोर्स। अब यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, टेक्निक के लिए। तो ऐसा हो सकता है F1 F2 एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, राइट। तो आप प्लस माइनस साइन कैसे चूज करना है, साइन कन्वेंशन वो समझेंगे आप, क्योंकि ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, तो आप यहीं पर अच्छे से समझ लेंगे। प्लस साइन लेंगे जबकि F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस लेना है, और अगर सेम डायरेक्शन हो गया तो फिर आपको क्या लेना है, माइनस साइन चूज करना है इसमें से, राइट। क्वेश्चन में इलस्ट्रेट करेंगे, पहले टेक्निक समझ लेंगे। फिर ये जो फ्रिक्शन आया है, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है? लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी M1 M2 के बीच में, वो क्या होगा, म्यू N1, म्यू और M1G, है ना। यहाँ म्यू का मतलब क्या है, म्यू एस से है, राइट। अगर ऐसा है तो उस केस में M1 M2 को छोड़कर नहीं जाएगा, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, तो कॉमन एसिलेशन से मूवमेंट करेंगे, और वो कॉमन एसिलेशन भी आप टेक्निक से फाइंड करेंगे, राइट। मॉडुलस ऑफ F1 प्लस माइनस F2 डिवाइडेड बाई M1 M2। ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंस रखेगा। प्लस साइन कब लेंगे, जब F1 F2 सेम डायरेक्शन में, ध्यान देना यहाँ से अपोजिट है, हाँ। और माइनस साइन तब लेंगे आप जबकि F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। अब इसका अपोजिट केस हो जाए कि F की वैल्यू ज्यादा हो जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, उस केस में M1 M2 पर स्लाइड करेगा, ये कॉमन एक्सलेशन से मूवमेंट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, FBD बनाकर क्वेश्चन में लेंगे। हाँ, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा। म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दे रखा, तो आप फिर म्यू M1G ही लेंगे, राइट। तो चलिए इसको इलस्ट्रेट करते हैं, इस टेक्निक को आप देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम हो, डबल ब्लॉक से रिलेटेड कैसे सॉल्व करेंगे आप। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और सभी तरह के क्वेश्चंस हम ले लेंगे जिससे बिल्कुल आसान हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसके अलावा भी कोई आपको ऐसा टॉपिक हो फिजिक्स में जो कि आपको हार्ड लगता हो, उसको समझना हो, उसका कुछ टेक्निक चाहिए, शॉर्ट टेक्निक चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर होगा अपना। तो चलिए इसको इलस्ट्रेट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, 5 केजी का ब्लॉक 10 केजी पर रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और अपर ब्लॉक पर 5 न्यूटन अप्लाई किया है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, राइट। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। वो क्या होता है, म्यू एन वन, म्यू की वैल्यू हमारे पास रखते हैं 0.5, एम वन कितना है 5 और जी 10 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन, क्लियर, राइट। फिर फ्रिक्शन फाइंड कीजिए जो हमने टेक्निक बताया था उससे। This is the technique. F1 क्या बताया था मुझे बताइए, फर्स्ट ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स। F2 का मतलब सेकंड पर, ऐसा हो सकता है नहीं लग रहा हो सेकंड पर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए F1 कितना है, फर्स्ट पे लगने वाला 5, सेकंड का मास है ये 10 kg, प्लस माइनस लगाइए। F2 क्या यहाँ कोई फोर्स है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, तो जीरो कह दिया फर्स्ट का मास, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए 50 हो गया तो जीरो हो गया, तो ऊपर मॉडुलस लेंगे हम तो 50 आने वाला है, ये 15 हो गया, कट करते हैं इसको 5 के टेबल से, 5 3 जा 5 10 जा, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 10/3 न्यूटन, राइट। अब हम ये देखेंगे हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया था उससे कम है कि ज्यादा है, ये चीज देखेंगे। ये जो फ्रिक्शन आया है, एफ की वैल्यू कितनी आई है 10/3, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम नहीं है 25 से, यस लोअर है। लोअर है इसका मतलब 5 केजी 10 केजी को छोड़ के नहीं जाएगा, दोनों साथ में मूवमेंट करेंगे, बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर विद द कॉमन एक्सेलरेशन। और कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी यहां मैंने एक टेक्निक बताई आपको, F1 प्लस माइनस F2 लाइक दिस, ओवर F1 प्लस M2 रख दीजिए, केवल अकेला F1 है आपके पास में, ये जीरो, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई फिजिक्स नहीं लगाना है, 1 2 3, 1 2 का 4, राइट, 5/15 कट कर दीजिए, बस टेक्निक को दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन कोई सा भी हो कर पाएंगे आप। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। चलिए अभी तो मास्टरी करनी है, खेल शुरू हुआ है अभी तो। सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, सभी तरह के क्वेश्चंस ले लेंगे। चलिए अभी ऐसा हो सकता है एग्जामिनर नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा दे, लगाने दो,
सबसे पहले आपको करना क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है, न्यूमन चाहिए, राइट। 0.5, 5, 10 कितना आ गया, 25 न्यूटन हो गया। अभी क्या करना है आपको, फ्रिक्शन कैसे, जो हमने बताया था शॉर्ट टेक्निक क्या था, मेरा F1 M2 plus minus F2 M1 और M1 plus M2 का मॉडुलस। F1 क्या था, फर्स्ट ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कितना है, 0। सेकंड पर है F2, इस पर ध्यान रखना है ना, ये बात है। F1 की वैल्यू कितना, 0, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, ये M2 है, तो सेकंड का मास लगेगा, ये 10 प्लस माइनस लगाइएगा, है ना, बेईमानी नहीं। ऊपर आ गया हमारे पास में 50, ठीक है, लेकिन मॉडुलस देता है अपने, ध्यान देना, 50/5 की टेबल से कट हो जाएगा 3, ये कितना 10, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 10/3 न्यूटन, राइट। अब एसिलेशन फाइंड करने से पहले हम ये देख लें कि क्या एफ की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आई है। भाई फ्रिक्शन कितना है, 10/3 न्यूटन, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, 25। यस अनडाउटेड 25 से कम है, 3.3 समथिंग आएगा भाई, तो इसका मतलब 5 kg इसको छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो दोनों साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो कॉमन एसिलेशन का टेक्निक लगाओ, F1 plus minus F2, M1 plus M2 वैल्यू रख दो। F1 तो कितना है, 0, दिस इज 10, कितना आ गया, 10/50, 5 टेबल से कट हो जाएगा 2, दिस इज 3, कितना आ गया, 2/3, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पे चलो, देखो अब थोड़ा थोड़ा हार्ड करते चलते हैं, ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी फोर्स लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, कोई इशू नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो, क्वेश्चन कोई सा भी हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो पहले, म्यू M1 जे 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, M1 5 एंड जे कितना है, 10, कितना आ गया, 25 न्यूटन। ओके सेकंड स्टेप में फ्रिक्शन फाइंड करो कैसे, टेक्निक से। टेक्निक क्या था, F1 M2 plus minus F2 M1 और M1 plus M2 का मॉडुलस। F1 क्या था, फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स इस बार है, सेकंड पे भी है, ध्यान देना है ना, तो लेकिन थोड़ा ध्यान से आप मुझे बताओ अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने क्या बताया था, साइन कन्वेंशन, टेक्निक प्लस लोगे माइनस, अपोजिट होते ही प्लस लेना है, ठीक है, तो प्लस ले लिया। F1 कितना है, 5, ये 10 हो गया, ये प्लस लेना है और 10 है मल्टीप्लाई बाई 5, 50/50 100/15 का मॉडुलस, राइट। 5 टेबल से कट, कितना आ गया, 20/3 न्यूटन। चेक करते हैं एसलेशन से पहले, क्या ये जो फ्रिक्शन आया लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, यस अगेन कम है, क्यों, ये 20/3 6 पॉइंट समथिंग, ये 25 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब अगेन 5 kg 10 kg को छोड़कर नहीं जाएगा, दोनों साथ में जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि हम एसलेशन कॉमन तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये सब अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए केवल केवल टेक्निक ध्यान रखो, टेक्निक ये था। इसमें हमने क्या बताया था, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लेना है, एसलेशन में अपोजिट है तो माइनस, तो यहाँ तो अपोजिट है तो माइनस ले लेते, और फिर मॉडुलस 5 - 10, -5 हुआ उसका मॉडुलस कितना आएगा, 5 आएगा, नीचे 15, राइट। 5 टेबल से कट कर दीजिए, कितना आएगा, 1/3 m/s². सॉल्व प्रॉब्लम, नेक्स्ट पे चलो, रुकना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम दे दे एग्जामिनर सब सॉल्व होंगी। अब सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, वो बहुत इजी, म्यू M1 जे 0.5 × 5 × 10 कितना, 25 न्यूटन। फिर क्या करते हो, फ्रिक्शन फाइंड करते हो, कैसे करते हो, कैसे करते हो भाई, टेक्निक से, दिस इज द टेक्निक, F1 M2 plus minus F2 M1 M1 plus, इस बार फोर्स है एक ही डायरेक्शन, बोलो प्लस लोगे माइनस लोगे, याद करते चलो, माइनस या माइनस लगाएंगे, है ना, राइट। तो चलो वैल्यू रखते हैं, F1 कितना है, 10 है, M2 कितना है, 10 है, माइनस लगाना है मेरे को, ठीक है। F2 का मतलब कितना है, सेकंड ब्लॉक पर, लोअर ब्लॉक पर, ये 5, M1 कितना है, 5, क्लियर। ये हो गया 100, ये 25, 75/50, राइट, प्लस में आ रहा है ना, माइनस में आएगा तो अभी आपको मॉड्यूलस यानी कि प्लस में लेना है, ठीक है। अब तो ये तो आसानी से कट हो जाएगा 5 times, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, 5 न्यूटन आ गया। फिर से चेक करो कि क्या ये एफ लेसर नहीं है, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस है, क्यों भाई, ये तो 5 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 25 से तो कम है, कम है तो ये 5 kg इंडिविजुअली मूव नहीं करेगा, इसके साथ मूव करेगा, कॉमन आइसोलेशन से मूव करेगा, कॉमन आइसोलेशन निकालो टेक्निक से, क्या एक ही डायरेक्शन में है दोनों फोर्स, यस, बोलो प्लस लोगे माइनस लोगे, प्लस लेना है ना,
10 प्लस 5, 5 प्लस 10, 15 बाई 15, मॉडुलस है, वैसे भी प्लस में आ रहा है, क्या बना गया, कट जाएगा ना पूरी तरीके से। प्रॉब्लम सॉल्व, रुकना नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलो। इस बार 5 केजी पे मैंने थोड़ा ज्यादा सा फोर्स लगा दिया है, 15 न्यूटन, देखते हैं खेल चेंज होता है क्या। सबसे पहले आपको करना है, बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है, जो टेक्निक बता रहे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, क्वेश्चन कैसा भी आए। सबसे पहले फाइंड करो लिमिटिंग रिडक्शन, म्यू m1g, म्यू n1 होता है ना भाई, 0.55 × 10 कितना आ गया, 25 × 10 खत्म। अब क्या करेंगे, फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, फ्रिक्शन टेक्निक से फाइंड करेंगे। f1 कितना है आपके पास, 50, m2 कितना है, 10, प्लस माइनस लगाइए, f2 है क्या कोई, नहीं है, 0 है, तो ऊपर ही हो गया 500 डिवाइडेड बाई 15, राइट, 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 100 बाई 3 आ गया, 100 बाई 3 का मतलब कितना हो गया, 33 पॉइंट समथिंग हो गया, इस बार ज्यादा हो गया, है ना, कहानी में ट्विस्ट है इस बार, तो इस बार f की वैल्यू होगी ज्यादा, ज्यादा हो गई तो ये स्लाइड करेगा 5 के लिए, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन संभाल नहीं पाएगा इसको, है कि नहीं भाई, ज्यादा हो गया ना, देख लो एक बार f कितना है, 100 बाई 3 और ये क्या है 25, तो 25 तो कम हो गया ना 33 से, तो दोनों डिफरेंट एसलेशन से मूव करेंगे, डिफरेंट एसलेशन से मूव करते हैं तो बहुत इजी होता है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं भाई, है कि नहीं, एबीडी बना लेते हैं अपन, है ना, जैसे कि न्यूटन लॉ में करते हैं सिंपल क्वेश्चंस, देखिए करते हैं, फर्स्ट का एबीडी बनाया अपन, इस पर एक फोर्स लग रहा है, आप F1 कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये F फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, है ना, राइट, और ये एसलेशन कुछ होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ कि एसलेशन होता क्या है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास एफ, और ये स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए बेसिकली, और इस फर्स्ट वाले के पास को m1 बोला अपन ने, बस वैल्यू रख देते हैं, ये कितना है 50 फ्रिक्शन। देखिए जब आपको म्यू एस और म्यू के नहीं दे रखा तो म्यू को ही लेके चलते हैं अपन, और वो वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली आई थी वही रखना है आपको, 25 है ना, हाँ इन केस है म्यू के तो उससे निकाल के रख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कैसे करेंगे, म्यू के इनटू m1, m1 कितना है 5, तो ये 25 बाय 5 हो गया, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर, सिंपल है। सेकंड ब्लॉक को देख लेते हैं, बी ब्लॉक को, बी का फिर बड़ा डायग्राम बनाते हैं भाई, देखिए फ्रिक्शन इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, रेड ब्लॉक पर तो हमने बताया एंटी पैरेलल होते हैं, येलो ब्लॉक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, वही इसको मूव कराएगा, केवल केवल ये वाला फोर्स है, इसी वजह से एक्सेलरेशन आना है इसमें, लगा दीजिए FK और M2, FK कितना है यहाँ पर 25 बाय 10, कितना गया 22.5 मीटर पर सेकंड, क्लियर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इस बार 10 kg पे बहुत सारा फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, क्या करोगे, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो भाई, म्यू m1g रेड और येलो ब्लॉक के कॉन्टैक्ट सरफेस पर, ठीक है, तो इस म्यू n1 होता है ना 0.5 × 5 × 10 कितना आ गया 25 मीटर, क्लियर। अब क्या करोगे, फ्रिक्शन फाइंड करो, किससे करोगे, टेक्निक से करोगे, व्हाट इज टेक्निक, दिस इज f1 m2 प्लस माइनस f2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का मॉडुलस, f1 है कोई नहीं, 0 है, इनटू 10, प्लस माइनस लगाओ भाई, मैंने नहीं 100 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, मॉडुलस लेना है, ध्यान देना, 100 5 500 हो गया, 15 हो गया, 5 टेबल से कट हो जाएगा, F आ गया 100 बाई 3, कितना आ गया वही 33.3, तो आपका देखो भाई F आ गया है 33.3 और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया 25, तो इस बार तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो स्लाइड करेगा 5 केजी का ब्लॉक 10 केजी पर, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, साथ में नहीं जाएंगे, बहुत इजी है, फिर बहुत इजी है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे अपन, एक फिर बड़ा डायग्राम बनाएंगे, देखिए भाई इस पर कोई फोर्स नहीं है, 100 न्यूटन का फोर्स जो लोअर ब्लॉक पे लग रहा है, इसकी वजह से फ्रिक्शन येलो ब्लॉक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया कॉन्टैक्ट सरफेस पे, सिंपल टेक्निक बताया, एंटी पैरेलल होता है तो 5 केजी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसी की वजह से ये मूव करेगा आगे, इसी वजह से एक्सेलरेशन आएगा इसमें, राइट, लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए डिवाइडेड बाय m1, कितना है 25 बाय 5, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, सॉल्व, बी को देख लो ऐसे ही, बी का बनाओ फिर बढ़ेगा, इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन आपका, और इस नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा, लगाओ न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एफ माइनस
फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, राइट। कितना था ये फोर्स? 100। फ्रिक्शन कितना था? 25 से ज्यादा होगा नहीं, है ना, म्यू के नहीं दे रखा तो वही लेते हैं अपन लिमिटिंग वाला इफेक्ट। म्यू 25 कितना हो गया? 75/10 यानी 7.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, सॉल्व, रुकना नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलो, है ना। देखो बड़े बड़े फोर्सेस लगा दिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, 5 केजी पे 50 न्यूटन फॉरवर्ड, 10 केजी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखना क्या है, आगे बंद करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, 1, 2 का 4 बस। सबसे पहले क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया मैंने, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, म्यू m1 जी, राइट। 0.5 m1 कितना, 5 इनटू 10 कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन, राइट। चलिए उसके बाद में क्या करते हैं आप, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं, लगाते हैं टेक्निक F1 M2 plus minus F2 M1 M1 plus M2, yes। F1 है क्या है, F2 है क्या है, yes। अपोजिट डायरेक्शन में बोलो प्लस या माइनस, पॉजिटिव, है ना, ये चीजें ध्यान रखना बस। वैल्यू रख दो, F1 50, M2 10 plus F2 कितना है 100, M1 कितना है 5 plus 10, ऊपर कितना हो गया 500, ये भी 500, 1000 by 50, राइट टेबल से कट होगा, ये सब 200/3, है ना, भाई लोग बहुत ज्यादा हो गया ये, ये सुनो 3 6 18, है ना, फिर 3 6 66 समथिंग हो गया, है ना। तो जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो देखें इस बार बहुत ज्यादा हो गया ये 66 समथिंग, जो कि 25 से ज्यादा है, ज्यादा है तो 5 के जी का ब्लॉक अगेन स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा तो डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, नाउ इट्स डन इज द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। एक फिर बड़ा डायग्राम बनाइए, 50 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, फ्रिक्शन इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना, लाइक दिस, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, F1 माइनस फ्रिक्शन, है ना, डिवाइडेड बाय मास, F1 कितना है 50, रखते हैं 25 फ्रिक्शन है हमारे पास में, है ना, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, ये 5 25/5 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। सॉल्व, बी पर आ जाओ, बी को देखो ध्यान से, बी का फिर डायग्राम बनाओ, बी पर एक फोर्स काम कर रहा है आपका, एफ को क्या दिया उसको हमने, फ्रिक्शन हमने बता दिया आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट सरफेस पर एक सिंपल टेक्निक बता रहे हैं, कहीं भी हो कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा 101% एंटी पैरेलल हो, सिंपल टेक्निक ध्यान रखो, अभी 5 केजी पर बैकवर्ड है तो इस पर क्या हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, फोर्सेस कहीं भी लग रहे हो हमेशा एंटी पैरेलल लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पर, भाई एक्शन रिएक्शन होता है, अगर कंसेप्चुअली देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ से, है ना, राइट। ओके, एक्सेलरेशन इस बार इसका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी कि ये 10 केजी वाला बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा, राइट। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, F2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय M2, F2 कितना है 100 माइनस 25/10 कितना हो गया 75/10 7.5। साल, चलो रुकना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े फोर्स लगा दो, एक डायरेक्शन में लगा दो, देखते हैं क्या होता है, कैसे देखोगे, क्या था टेक्निक, पहले आंख बंद करके केवल लिमिटिंग फ्रिक्शन, एजी क्या होता है वो, म्यू एस एन वन, म्यू एस को म्यू कह दिया और एन वन कितना हो गया एम वन जी, रख दो वैल्यू 0.55 × 10 कितना आ गया 25। अभी क्या करते हो, फ्रिक्शन फाइंड करते हो, कैसे करते हो, टेक्निक से F1 M2 प्लस माइनस F2 M1 M1 प्लस M2, क्या F1 F2 है, यस दिस इज F1 दिस इज F2, रख दो वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ई के डायरेक्शन में क्या बताया मैंने, साइन कन्वेंशन माइनस, ये चीजें ध्यान रखना है ना, हां बोला नहीं, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हो गया 1000, ये हो गया 250, तो 750 बचा ऊपर, है ना, 15 5 तो 50 न्यूटन आ गया भाई। अब बताओ क्या 50 न्यूटन ज्यादा नहीं होता क्या 25 से, यस इट्स मोर, इसका मतलब 5 केजी 10 केजी पे स्लाइड करेगा ना, तो ये स्लाइड करेगा तो एक एक्सेलरेशन से नहीं मूव करेंगे, एक एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेंगे तो लगा देंगे न्यूटन सेकंड लॉ, बनाओ फर्स्ट का 5 केजी वाले ब्लॉक का, इसको ये ब्लॉक बोला हमने, फिर बड़ा ग्राम 100 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है F1, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा इसका, राइट, और ये एसलेट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, F1 माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय M1, F1 कितना है 100, ये 25,
डिवाइडेड 75 बाई 5 कितना 15 मीटर हो गया। चलो फाइंड करो बी ब्लॉक का भी, आइसोलेशन ऑफ द बी, आइसोलेशन ऑफ द बी कैसे फाइंड करेंगे। फिर बड़ा डायग्राम देखो ध्यान से, 10 केजी ब्लॉक का फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक F2 है, 50 न्यूटन है, एंटी पैरेलल लगेगा सर का, टेक्निक ध्यान रखो कभी मात नहीं खाओगे। इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा राइट, और एसलेट की यानी ये इस बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। इस बार ध्यान दो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया है, प्लस करेंगे यानी F2 प्लस F डिवाइडेड बाई M2। F2 कितना है आपका 50, प्रिडिक्शन कितना 25, कितना हो गया 75, कितना आ गया 7.5 मीटर। बच्चों का खेल हो गया 1-2 का 4, क्लियर राइट। तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कोई और ऐसा कोई टॉपिक हो जिस बहुत ही हार्ड लगता हो फिजिक्स में, जैसे मुझे बच्चों ने बताया था कि डबल ब्लॉक बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, मैंने एक सिंपल टेक्निक तैयार करके दे दी है ना। सब्सक्राइब कीजिए इसको और मुझे बताइए नेक्स्ट में हम एक स्प्रिंग वाला टॉपिक होता है बहुत हार्ड लगता है बच्चों ने बताया मुझे, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट लेंगे हम। स्प्रिंग का कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो स्प्रिंग से पूरे फिजिक्स में उसको तैयार करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।